Morning students. Student today we learn about the subject of maths. Subject of maths block number 9. Block name is length. Block name is length. Previous lecture में हमने और जो है क्या learn किया था? Comparing length and measuring length. ये हमने previous lecture में learn किया. In this lecture we discuss about the measuring length using body parts. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? पिन या पेंसिल से हमने लेंथ मेजरमेंट की, लेकिन इन दिस लेक्चर में भी यूजिंग द बॉडी पार्ट्स, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हम यूज करेंगे. हम लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे? हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो यूज करेंगे. ओके, अब कौन से बॉडी पार्ट्स? फर्स्ट आपका जो थंब है ना, यह देखो ये थंब. ओके, उसे क्या कहते हैं? डिजिट. क्या कहते हैं? डिजिट. ये जो हमारे नेल्स थे ना वहां तक का, देखो विड्थ ऑफ द टिप ऑफ द फर्स्ट फिंगर, आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो. ओके, फर्स्ट फिंगर है वो. और हैंड स्पैन, हैंड स्पैन योर है, मराठी मध्ये त्याला विड्थ म्हणायचे, विड्थ, हैंड स्पैन, त्याला हैंड स्पैन म्हणायचे. काय म्हणायचं? हैंड स्पैन, हैंड स्पैन. ओके, आता दुसरं काय आहे? क्यूबिट, म्हणजे मीन्स आपकी जो यो फर्स्ट जो मिडल फिंगर है उससे एल्बो तक का जो है वो क्या है? क्यूबिट. क्या है? क्यूबिट. लेंथ फॉर द टिप द मिडल फिंगर ऑफ द एल्बो, जो मिडल फिंगर है मिडल फिंगर से एल्बो तक जो है वो क्या है? क्यूबिट. एंड हैंड स्पैन मीन्स आपकी वी, और यह जो है फर्स्ट फिंगर डिजिट. ये हमारे बॉडी पार्ट्स है वो हम मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे. और चौथा कौन सा है? फुट. आपका जो पैर है ना वो आपका पैर है वो क्या है? फुट. वो हम मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे. अब देखो कि वर्किंग विद योर पार्टनर, गेस द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन द टेबल इन हैंड स्पैन फिलिंग द टेबल. आपका टेबल है वो आपको हैंड स्पैन से आपको देखना है. हैंड स्पैन से कितने हैंड स्पैन आपके बैठते हैं उससे. अब आपका टेबल है वो हम क्या करेंगे? अभी हैंड स्पैन से हम काम करेंगे कितने हैंड स्पैन बैठते हैं. मेरे हाथ बड़ा है, मेरा हाथ बड़ा है तो मेरे ज़्यादा होंगे, आपके सॉरी मेरे कम होंगे और आपके ज़्यादा होंगे. क्यों? तो आपका हाथ जो बहुत ही छोटा. ओके, वी नाउ मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन हैंड स्पैन्स फिलिंग द टेबल्स. अब देखो आपको हैंड स्पैन से कौन कौन से थिंग्स यूज करने हैं, मेजर करने हैं. नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, गेज द लेंथ, लेंथ इन हैंड स्पैन, योर टेबल टॉप. ओके, क्वेश्चन बी, राइट इन योर नोटबुक. नेम of the object, name of the object against the length, name the length. यहाँ पर है कितने हैं?
सेव। तो यहाँ पर कितना लिखना है? सेव। ओके, अब इसकी मेजरमेंट आपको कितनी है वो आपको यहाँ पर गेस कर ले। मीन्स आप क्या आपको सॉरी यहाँ पर सेव लिखना चाहिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर और गेज द लेंथ, आपकी लेंथ कितनी है, आपका जो फुट आपकी जो स्केल है स्केल से वो आप ले। अब देखो हमारी जो हमारा ब्लैक बोर्ड वो हम देखते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स ये 5 15 सेंटीमीटर की ये हमारी स्केल है। तो ये कितनी बैठी? 5 7 और हमारा हैंड स्पैन मीन्स मेरा हैंड स्पैन कितना है? 7 जो है बेटा। ओके, तो यहाँ पर 7 लिखो। अब आपकी टेबल टेबल भी हम देखते हैं। तो आपका जो टेबल है वो हमारे स्टूडेंट जो है श्रेयांशी का वो कितने स्पैंस देते हैं? 20 स्पैंस जो हैंड स्पैंस उसके यहाँ पर बैठे। ओके, अब आपको क्या करना है, आपका जो डेस्क है उसका हैंड स्पैंस कितने हैं काउंट करना है। तो मेरे जो है कम बैठे क्योंकि मेरा जो हैंड बहुत ही बड़ा है, आपका छोटा है। ओके, वो देखना। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन 2 और 3 सॉल्व करना।